सलामुअलैकुम कर साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत से बुलाया आपने? तो हमारी मस्जिद में जो ठेकेदार काम कर रहे हैं ना, उसका फोन आया था, वो शाम तक 5 लाख रुपए मांग रहा है। मैं कहा कमेटी वालों से बात करके मैं आपको बता देता हूँ। कितने पैसे जमा आपके पास? मेरे पास तो सिर्फ 2 लाख इकट्ठा हुआ है कारी साहब। उस वक्त से 2 लाख ही इकट्ठा हुआ है, लेकिन उसको शाम तक 5 लाख रुपए देना है। वो सेठ अकमल मार्बल वाले के पास गए थे तुम तो कैसे, बड़ा ईमानदार इंसान है। चुप्पी कर जाए कारी साहब, गया था मैं उसके पास, वो तो बहुत बदतमीज और मगरूर इंसान निकला। जब मैंने चंदे की बात की उससे, बहुत बेइज्जत किया उसने मुझे, मैं बता नहीं सकता मैं कितना शर्मसार हुआ उससे। लेकिन हमें तो शाम तक 5 लाख रुपए चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं खुद जाकर उसकी फैक्ट्री से मिलता हूँ, उससे बात करता हूँ। रहने दे कारी साहब, वो बहुत बादखलाक इंसान है, एवं आपके साथ कोई बादखलाक ही करेगा। ज्यादा से ज्यादा गाली दे देगा ना मुझे। कोई बात नहीं, मैं उससे बात जरूर करूंगा। ठीक है, आप में हिम्मत है तो चलिए, मुमकिन है शायद कोई सूरत बन जाए। ओए ओ, इसको सुबह मैंने पछतो में समझाया था, जो अब तू आ गया चंदा मांगने के लिए। ओए ओ, मैं ड्रामे बाजियां सारी जानता हूँ, अपने हलवे के चक्कर में और तुम चंदा इकट्ठा करते फिरते हो। कोई चंदा मंदा नहीं है, निकलो यहां से मौलवी हलवा। आप जो मर्जी मुझे कह रहे सेठ साहब, लेकिन ये अल्लाह का दिया हुआ मौका आपके लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप इससे पूरा फायदा उठाए। कमेटी को आपके तावन की अशद जरूरत है, और मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। खाली हाथ नहीं जाएगा? नहीं। ले निकल, अब तो नहीं ना खाली हाथ। ये तो हो गया मेरे लिए, अब इस हाथ पर कुछ अल्लाह के लिए दीजिए। ये क्या करने लगा? या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, या अल्लाह अल्लाह के मारे थूक दे, या मेरे खुदाया मैं क्या करने लगा था, मुझे माफ कर दे या अल्लाह। अल्लाह तुम्हारा भला करे सेठ, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाए। रुकिए मौलवी साहब, बताइए मस्जिद के लिए कितने पैसे दरकार है? फिलहाल तो 3 लाख से काम चल जाएगा। नहीं नहीं, ये बताइए कि टोटल प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे चाहिए? मैं दूंगा। हमें 8 लाख रुपया चाहिए। आप इधर रुकिए, मैं अभी आता हूं। मौलवी साहब, ये 8 लाख का चेक लाया हूं। आज से इस मस्जिद का जो भी खर्चा होगा वो मुझसे लीजिएगा। आज से इस मस्जिद की तमाम जिम्मेदारी मेरी है। अल्लाह ताला तुम्हें इस नेकी का अजर अता करे। आपने मस्जिद की तामीर करवाई है, अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियां नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम जी, इजाजत चाहूंगा। बात करने का अंदाज, सलीका, तमीज और अदब आ जाए तो बड़े से बड़ा मुतकबिर और फासिक शख्स भी हिदायत पा सकता है। याद रखिए, ये बर्दाश्त, ये सब्र और हौसला उलमा को इल्म ही सिखाता है।